हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कीनोट्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेडिसिन, अ क्लिनिकल टिप ऑफ अ मेडिसिन। क्लिनिक में वो पेशेंट में कौन से ऐसे सिम्टम्स या साइंस प्रेजेंट होने चाहिए, क्या उसका मेंटल स्टेटस होना चाहिए जिससे हम पता चल सके कि वो पेशेंट उस स्पेसिफिक मेडिसिन का है। तो ये वीडियो एंड तक पूरा जरूर देखिए और समझिए कि ऐसा कौन सा वो मेडिसिन है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं और कौन से सिम्टम्स हैं जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करने हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेडिसिन विच इज पॉलीक्रेस्ट, विच इज यूज वेरी कॉमनली, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ दिस मेडिसिन एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेंटल स्टेटस, वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवरऑल स्पेसिफिक क्लिनिकल टिप्स ऑफ द मेडिसिन विच इज नक्स वोमिका। Yes, so today we are talking about Nux Vomica. So first let's start with understanding what are the causations of a Nux Vomica medicine or a Nux Vomica patient. Nux Vomica mein jo causation hoga, that would be their irregular dietary habit. It would be their sedentary life. Now what is sedentary life? Sedentary life means एकदम बिना कोई फिजिकल एक्सर्शन के आप लाइफ अपनी जी रहे हैं, जैसे कि बहुत बैठने का काम है जिनका, जिनकी लाइफ में पूरे दिन कुछ फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी वाला काम नहीं है, सो दैट इज सेडेंट्री लाइफ। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स का सेडेंट्री लाइफ क्या है, कॉलेज जाओ, आओ, पढ़ो 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 एंड देन अगेन यू गिव एग्जाम्स एंड देन यू गो, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट में मेडिकल स्टूडेंट्स या ये सब जो प्रोफेशनल्स में होते हैं उसमें दे यूजली हैव अ सेडेंट्री लाइफ की बहुत पढ़ाई, कॉलेज आओ घर आओ पढ़ो, कॉलेज आओ घर आओ पढ़ो, तो दे डोंट हैव अ पर्टिकुलर रूटीन ऑफ डूइंग एनी फिजिकल एक्सर्शन, या कोई रूटीन नहीं होता है उनके लिए उनके पास। सो दैट इज द फर्स्ट कॉज, दैट इज योर सेडेंट्री हैबिट एंड दे हैव इरेग्युलर डायटरी हैबिट्स। दे ऑल्सो लाइक आउटसाइड फूड, दे ईट मोर ऑफ आउटसाइड फूड, जैसे जंक फूड बहुत उन्हें पसंद है खाना, और एक तो उन लोगों का कोई रूटीन नहीं है, वो लोग कभी भी खाना खा लेते हैं, कभी भी वो लोग कुछ भी करते हैं, इरेगुलर दे हैव स्लीप पैटर्न ऑल्सो वेरी इरेगुलर, उन लोग का कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है सो के उठने का, वो रात को जाग सकते हैं और बहुत जागते हैं, जब रात को जाग जाके वो लोग पढ़ाई करते हैं देन दे यूजली फॉल अस्लीप एंड दे गेट एलमेंट्स। ठीक है, सो नाइट वेकनिंग जिसको बोलते हैं कि रात को जाग जाग के पढ़ना या रात को जाग जाग के अपना काम करना, दैट कॉजेज देम सम एलमेंट्स। ठीक है, उनको वो एलिमेंट्स कॉज करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूट और मेन कॉजेशन ऑफ नक्स वोमिका। बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है जिनके शॉप्स है, जो पूरे 10-12 घंटे का शॉप पे बैठ के अपना काम करते हैं, तो उनकी लाइफ भी सेडेंट्री होती है। सेडेंट्री यानी कि पूरा दिन बैठने का काम है सिर्फ उनका, बैठ के अपना दुकान पे बस माल बेचो खरीदो, दे डोंट हैव अ मूवमेंट इन द रूटीन, उन लोग का कुछ मूवमेंट फिक्स नहीं है, और रात को लेट सोना, लेट खाना, फिर सुबह वापस लेट उठना और फिर बैठे रहना, बस खाओ फिर दुकान पे जाओ बैठ जाओ। सो ये जो शॉप कीपिंग वाले जो हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन लोग का रूटीन भी बहुत सेडेंट्री रहता है, एक मोनोटोनस सा रहता है, सो दैट ऑल्सो कॉजेज देम प्रॉब्लम्स। एल्कोहल हैंगओवर है, ज्यादा एल्कोहल पी लिया उसके बाद उसमें हैंगओवर है, सो देन ऑल्सो इट्स अ गुड मेडिसिन एल्कोहल हैंगओवर के लिए। फिर आपने बाहर खाना खाया है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, वेरी कोल्ड या ईटन एट लेट नाइट, उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम चालू हो गया है, सो दैट इज ऑल्सो नक्स वोमिका। सो नक्स वोमिका में मेजरली जो कॉजिशन होगा पेशेंट का, दैट वुड बी देयर सेडेंट्री हैबिट, द सेडेंट्री लाइफ, द मोनोटोनस लेजी लाइफ, देयर इरेगुलर डाइट एंड इरेगुलर स्लीप पैटर्न। वो लोग को कुछ खाने पीने का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, सोने का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, उठने का टाइम फिक्स नहीं होता है, जिस वजह जैसे अब कंपनीज में जो जॉब करते हैं, अब जिनको डे आवर्स की भी ड्यूटी होती है, अब हफ्ते में 2 दिन नाइट आवर्स की भी ड्यूटी होती है, हफ्ते में 2 दिन इवनिंग आवर्स की ड्यूटी होती है, सो दे डोंट हैव अ फिक्स्ड रूटीन। उन लोगों को कभी रात को जागना पड़ता है ड्यूटी करने, कभी अर्ली मॉर्निंग की ड्यूटी होती है, कभी इवनिंग में ड्यूटी होती है, राइट। इस वजह से उन लोग का खाने का पैटर्न फिक्स नहीं होता है, उन लोग का सोने का पैटर्न फिक्स नहीं होता है, और सिर्फ जॉब पे जाओ, कंपनी में जाओ, बैठ के अपना काम करना होता है, दे डोंट हैव समथिंग यू नो फिजिकली एक्टिव वर्क, और कुछ रूटीन ही नहीं है उनका, और उसकी वजह से उन लोग को बहुत पेट में प्रॉब्लम्स रहता है, गैस्ट्राइटिस रहता है, आईबीएस रहता है, कॉन्स डिजीज है, कोलाइटिस है, समथिंग रिलेटेड टू गैस्ट्रिक ट्रबल्स। यूजली नक्स वोमिका पेशेंट्स में गैस्ट्रिक ट्रबल्स का ही प्रॉब्लम रहेगा, और इसकी वजह से रहेगा, सेडेंट्री लाइफ एंड इरेग्युलर पैटर्न ऑफ लाइफ की वजह से। सो विद देन
Naxthromica is very good medicine to be prescribed at a lower dose. Patient always desires spicy and seasoned food, chili food. Patient himself is chili and thirsty. If you look at tongue mein posteriorly they have white coating of the tongue, so which is it is also very peculiar mark of Naxthromica. और स्टूल में कोलाइटिस का इनको प्रॉब्लम है, इनएफेक्चुअल अर्ज रहता है. यू नो दे फील कि भाई हमारा टॉयलेट पास करने के बाद भी कुछ सेंसेशन है कि और आएगा, समथिंग नॉट वेरी मच क्लियर. उनका यूरिन करने के बाद भी उनको लगता है कि सेंसेशन है, यूरिन हो सकता है अभी और बाकी है. तो उनको स्टूल पास करने के बाद भी ऐसे लगता है कि क्लियर नहीं हुआ है, अभी थोड़ा और बाकी है, बाद में शायद आएगा. तो 2-3-4 बार उनको जाना पड़ता है, उसके बाद उनका पेट साफ होता है. So then also Naxthromica is a very good medicine. Ineffectual urge of motion or ineffectual urge of urine. अगर हम खाना अच्छा लगता है, स्वीट्स पसंद है, अल्कोहल पसंद है, बिजनेस के बारे में सारा दिन बात करते रहते हैं. अगर फीमेल में देखेंगे तो एनी कंप्लेंट ऑफ अ फीमेल ड्यूरिंग द मेंसेस, मेंसेस के टाइम पे कोई भी कंप्लेंट है फीमेल को और आपको कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन अगर नहीं समझ में आ रही कि इसमें क्या दे सकते हैं, तो Naxthromica 30 का एक डोज उसके सब प्रॉब्लम्स को रिलीव कर सकता है. ये आप लोग ट्राई करिए, बहुत इफेक्टिव है एनी प्रॉब्लम इन अ फीमेल ड्यूरिंग द मेंसेस टाइम, मे बी वॉमिटिंग, मे बी नोशिया, और आपको कुछ स्पेसिफिक अगर नहीं समझ में आ रहा है, Naxthromica 30 का एक डोज हेल्प रिलीव ऑल द कंप्लेंट्स ऑफ द फीमेल पेशेंट ऑल्सो. और अगर पेशेंट एनी कंप्लेंट्स एसोसिएटेड विद इनइफेक्चुअल अर्ज तो है, और पेशेंट अगर बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन ऑलरेडी ले चुका है, कोई केस में कुछ उसको प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि एसिडिटी रहता है, हेडेक रहता है, या कुछ भी एनीथिंग पेशेंट जिसकी वजह से बहुत सारे एलोपैथिक अपना ट्रीटमेंट करा चुका है, उसके बाद वो आपके पास अगर आया है, तो मे बी वो Naxthromica पेशेंट नहीं है, बट वो बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन और ट्रीटमेंट करवा के आपके पास आया है, तो आप उस केस को Naxthromica 30 के एक डोज से स्टार्ट कर सकते हैं. Naxthromica 30 का एक डोज देंगे तो उसका जो एलोपैथिक मेडिसिन के जो इफेक्ट है बॉडी में वो सब पहले क्लियर हो जाएंगे, एंड देन यू कैन टेक द फ्रेश टोटैलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन यू कैन प्रिस्क्राइब अ न्यू मेडिसिन. दिस पेशेंट का स्लीप इफ यू सी दे कैन नॉट बी लेफ्ट अवेक, उनको पूरी रात जागने का काम नहीं दे सकते, उनको नहीं पसंद है जागना, बट क्योंकि उनकी ड्यूटीज ऐसी रहती है या उनको लेट नाइट तक का उनका काम रहता है, उनको करना पड़ता है, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है. जो एनी कंप्लेंट्स विद नाइट वेकनिंग, रात को लेट तक जागने से कुछ प्रॉब्लम होती है, सो देन Naxthromica कैन बी थॉट ऑफ. दे आर वेरी मच एम्बिशियस, दे आर डोमिनेटिंग, दे आर फास्टिडियस, उनको हर चीज एक प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम से करना पसंद है. उनको बहुत इरिटेशन हो जाता है अगर आप उनको ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लो तो, अगर उनके रिलेटिव्स आएंगे साथ में तो बोलेंगे इसको तो 2 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो चिढ़ जाते हैं, आंसर नहीं देता है फिर. सो दिस इज ऑल्सो वेरी मार्क सिम्टम ऑफ अ Naxthromica पेशेंट. स्टूडेंट्स इफ यू सी, सो द स्टूडेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू गेट फर्स्ट इन द क्लास, उनको हमेशा आगे रहना पसंद है, एकदम पढ़ाई करते रहेंगे, रात को जाग जाग के भी पढ़ेंगे, एकदम बस पढ़ाई में घुसे रहेंगे, रटा मारेंगे, एग्जाम को अच्छे से क्लियर करना है, एक मार्क से भी पीछे क्यों रहेगा, या उनको उनका टेंशन हो जाता है, उनको हमेशा सबसे आगे रहना होता है. दैट मच एम्बिशियस दे हैव, दैट इज ऑल्सो Naxthromica. और उसके बाद मतलब रात को जाग जाग के पढ़ा एग्जाम्स में, और उन्होंने एग्जाम्स के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपने आगे बढ़ने के लिए स्टडी करी, और उसके बाद उनको कुछ प्रॉब्लम चालू हुआ, सो देन Naxthromica इज द मेडिसिन टू बी गिवन. सो फ्रेंड्स these were the very specific and peculiar symptoms of Naxthromica, कि भाई ये 5 symptoms से आपको पता चल जाएगा वो patient Naxthromica है या नहीं. और आप mild symptoms अगर नहीं है तो जैसे मैंने बताया कि allopathic medicine का overdose है या menses में कोई problem है female को, जिसको आप अगर उसका कुछ और medicine नहीं specify कर पा रहे हैं, तो Naxthromica 30 इन दो चीज़ों में तो आप ऐसे भी दे सकते हैं specific symptom, specific medicine के हिसाब से. So friends, I hope आपको ये video helpful रहा होगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे clinic में आप ये identify कर सकते हैं, और जो घर बैठ के ये देख रहे हैं वो भी समझ सकते हैं कि किस केस में Naxthromica ली जाती है. So if you like my video, do press the like button, share it in your groups, and do subscribe to my channel for more learning and updates in homeopathy. Thank you.